तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे नेशनल टेस्ट में। तो आज हम आ गए हैं जय श्री राम फास्ट फूड पर, और उनके पास बहुत सारी वैरायटियां मिलती है, लेकिन पास सारी वैरायटियां हैं खाने के लिए। तो आज हम इनका टेस्ट करने वाले हैं क्रंची बर्गर, क्रंची पनीर मोमोज। तो चलिए एक बार इनके ओनर से बात कर लेते हैं और इनका टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। भैया जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रभात है। अच्छा प्रभात है जी, तो ये कब से लगा रहे हो अभी? जी हो गया 1 ईयर हो गया यहाँ पे लगा रहे हैं। चलो भैया, हम किचन में चलते हैं, मेकिंग देखते हैं कैसे बनाते हैं अपने। क्या डालना है इसमें अभी? ये जैसे कि हम क्रंची बर्गर बना रहे हैं, ये KFC बर्गर में हम उसको ऊपर बैटर लगाएंगे। ये जो बर्गर नॉर्मल बर्गर है, इसके ऊपर हमने ये बैटर बना रहे हैं, जैसे अरारूट और मैदा, और इसमें थोड़ा बहुत कलर देके नमक डाल के इसको बैटर बनाएंगे हम। बैटर बनाने के बाद इसके ऊपर बैटर लगाएंगे। बैटर लगाने के बाद हम इसके लिए ये कॉर्नफ्लेक्स और इसके साथ में ओट्स, ये तीनों चीज ऐड कर रखे हैं। ऐड करके इसको हम प्रिपेयर करके रखे हैं। जैसे इसकी ये बैटर बन जाएगा, अभी फिलहाल इसको हम प्रोसेस करेंगे कैसे। या कलर है? हाँ, ये कलर है। और ये भैया मिक्स कर रहे हैं इसे अच्छे से। बेसन भी है इसमें? नहीं, बेसन नहीं है इसमें, अरारूट है और मैदा है और सॉल्ट है और फ्लेवर वाला कलर है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके साथ में पानी डालो, वही हिसाब से पानी डालो कि जैसे कि ज्यादा बैटर पतला भी ना हो, ज्यादा गाढ़ा भी ना हो, जिस हिसाब से कि ये बर्गर के ऊपर अच्छे तरह से लेयर आ जाए। वो लेयर जो बन जाएगा इसके बैटर की, फिर उसके बाद में हम कॉर्नफ्लेक्स और ओट्स की लेयर उसके ऊपर देते हैं। और ये बैटर बनाए, ये बैटर में हम डालें ये बर्गर को, और उसके बाद में ये देखिए बैटर में डिप करें। डिप करने के बाद इसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स और ओट्स की ये लेयर कैसे दिया जा रहा है। कॉर्नफ्लेक्स लगाया जा रहा है, ये देखिए कॉर्नफ्लेक्स लगाया और ओट्स लगाया उसमें, और ये एसी सेट में आ जाएगा। तो उसे थोड़ी देर हम उसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। एक और बर्गर डीप किया जा रहा है कॉम्प्लेक्स में, और ये सीधा अलग पार्टी में शामिल। ये टिक्की जाली जा रही है फ्राई करने के लिए। और ये क्रंची बर्गर नीचे में डाल दिए फ्राई होने के लिए। तो कितने मिनट तक फ्राई करोगे इसे? ज्यादा ज्यादा 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। अच्छा। जैसा कि ये क्रंच हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हमें लगेगा कि ये क्रंच हो गया, उसके बाद हम निकालेंगे। ज्यादा जलाने भी नहीं है और ज्यादा कड़क भी नहीं करना है। मीडियम साइज में। बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ पे खाने आते हैं, मोमोज खा रहे हैं। भैया आप कब से खा रहे हैं मोमोज यहाँ? 10 मिनट से। और भैया यहाँ 10 मिनट से मोमोज खा रहे हैं, कितने खा लिए 10 मिनट के अंदर आपने? उसे हमने डीप फ्राई करके लेके आए हैं, अब उसको हम प्रिपेयर करेंगे। भैया मेकिंग चालू करने जा रहे हैं, देखिए कैसे कैसे मेकिंग नहीं होती। देखो भैया ने हाइजीनिक का भी बहुत बढ़िया सा रखा। ले रहे हो तो क्रंची दिख रहा है, आवाज भी आ रही है कुर कुर कुर। और भैया ने खोल दिया तिजोरी, खोल दी भैया ने यहाँ पे। और ये रेड चिल्ली सॉस लगा रहे हैं भैया, चिली गार्लिक सॉस है, चिल्ली गार्लिक सॉस है ये। जैसे हर जगह तो बर्गर मिलता है, सिंपल मिलता है, यहाँ थोड़ा चटपटा मिलता है। अच्छा, क्रंची बर्गर है, ये चिली गार्लिक थोड़ा लगाने से जो चटपटा नहीं थोड़ा ज्यादा होगा और खाने में अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद मैं लगा रहा हूँ टमाटो केचप। टमाटो केचप भैया ने क्या डिजाइन लगाई है। मैंने लगाया इसमें मिंट सॉस। मिंट सॉस, ये मिंट सॉस डाल दी भैया ने इस पे। फिर इसके बाद मैंने लगा रहा हूँ इसमें मेयोनीज। देखने में बड़ा तगड़ा लग रहा है भाई।
मजा आ गया। इसके बाद में मैंने मसाला डाला। कौन सा मसाला है इसमें? चाट मसाला है, ब्लैक सॉल्ट है, व्हाइट सॉल्ट है और ब्लैक पेपर है। इसमें मिक्स है सब कुछ, अपना हिसाब से ये मसाला बनाया जाता है टेस्ट के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, डाल दिया। फिर इसके बाद में एक पैकेट वो ये लिया ना चीज ऊपर रखा दो पैकेट में। इसमें मैंने लिया ये तंदूरी सॉस, तंदूरी सॉस साउथ वेस्ट भी बोलते हैं। इसको भी उतना हिसाब से डालना, नहीं तो ज़्यादा खट्टा कर देगा बर्गर को। ये थोड़ा खट्टी होता है साउथ वेस्ट। फिर इसके बाद मैंने लगाऊंगा कैबेज। मैंने लगाया इसमें ओनियन। अभी लगा दो। भैया ने यहाँ पे ग्लव्स पहन लिए, मैंने बड़े हाइजेनिक तरीके से बना रहे हैं भैया। इसमें चीज डाल रहा हूँ, लिक्विड चीज है ये, लेकिन इसमें स्लाइस डालेंगे ये मेल्ट नहीं होगा, लेकिन इसमें लिक्विड चीज सही रहेगा। दबा के लगाएंगे, जैसे कि कभी कभी टिक्की क्या होता है ज्यादा हार्ड हो जाता है, इधर इधर फिसलन होता है, कि इसको थोड़ा दबा देने से ना सॉफ्टनेस भी हो जाएगा और बाइट के साथ में ये माउथ में भी आराम से मजा आ जाएगा। ऐसा नहीं, आज तो पार्टी है। और चीनी का दीजिए और सो सो भाई, फुल्ली लोडेड बर्गर है भाई। तुम बताओ भाई, 40 रुपए में और क्या लोगे इससे ज्यादा? भाई बर्गर हो गया तैयार, अब हो गया बर्गर तैयार। तो चलिए चलते हैं बर्गर को टेस्ट करके बताते हैं कैसा टेस्ट है। चलो भाई, इसकी फिलिंग देख लो कितनी मोटी टेस्ट होती है। जो भी भाई जयपुर में रहता है एक बार भैया जी का बर्गर जरूर ट्राई करना, मजा आ जाएगा भाई, कसम से बता रहा हूँ आपको। तो भैया एक बार एड्रेस बता दो यहाँ पे आने के लिए, किसी को आना हो तो यहाँ पे। एड्रेस है सर I-79 हरिनगर, नियर शुगर बाजार रोड, नियर बाय चौकन ऑफिस। चौकन ऑफिस। तो भाई जयपुर में जो जो लोग रहते हैं भाई, एक बार भैया जी का ये जरूर टेस्ट करना बर्गर। यहाँ पे बहुत सी वैरायटी मिलती है, जरूरी नहीं बर्गर ही, यहाँ पे बहुत सी वैरायटियाँ मिलती हैं। तो एक बार इनकी वैरायटी टेस्ट करके बता देना कैसी है।